हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम ये कलरफुल सा थालपोश बनाने वाले हैं, देखिए। और ये बची हुई ऊन से मैंने यहाँ पे बनाया है। आपके पास जो ऊन बच जाती है, आप उससे ये थालपोश बना सकते हो। और बहुत ही सिंपल तरीके से ये थालपोश बन जाता है। मैंने बहुत ही आसान तरीके से ये थालपोश बनाना यहाँ पे सिखाया है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे दबाना मत भूलिए, ताकि जो भी मैंने वीडियो बना उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और मेरे चैनल पर क्रोचेट के नए नए आइडियाज आपको देखने को मिले। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। ये बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे मैंने ये थालपोश बनाना सिखाया है। तो चलिए दोस्तों, आज हम ये कलरफुल सा थालपोश बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे मैजिक रिंग डालेंगे और उस मैजिक रिंग में हमें सबसे पहले 3 चेन डालना है। अब इसी मैजिक रिंग में हम 15 डबल क्रोशा डालेंगे। 3 चेन पकड़कर हमारे यहाँ पे 16 डबल क्रोशा बन जाएंगे। डबल क्रोशिया डालने के बाद हम इसे इस धागे को ऐसे खींच लेंगे। अब यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच से जॉइन करना है। अब यहाँ पे हम 3 चेन डालेंगे और हर एक स्टिच के ऊपर हमें 2 डबल क्रोशिया डालते हुए जाना है, यानी 16 हमारे डबल क्रोशिया थे। अब यहाँ पे हमारे 32 यानी 32 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। Thank you.
ऐसे ही पूरे राउंड में हमें डबल क्रोशिया हर एक स्टिच के ऊपर दो बार डालना है। देखिए हम एक बार इसे काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16 यहाँ पे हम एक स्टिच को खोल देंगे। अब यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन करेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे हम 1, 2, 3, 4 चेन डालेंगे। और एक स्टिच को छोड़ना है हमें, अगले वाले स्टिच पे हम डबल क्रोशिया डालेंगे, एक चेन लेंगे, फिर से अगले वाले यहाँ पे हम दो चेन लेंगे क्योंकि मोटिफ में खिंचाव आ रहा है। फिर से दो चेन लेना है, एक स्टिच को छोड़ते हुए अगले स्टिच पे हम डबल क्रोशिया डालेंगे। देखिए ऐसे ही हम ये पूरा राउंड बनाते हुए जाएंगे। आपको मैं ये पूरा राउंड यहाँ पर बनाकर दिखाती हूँ। देखिए अब यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन करेंगे। देखिए अब यहाँ पे हमें तीन चेन डालना है, 1, 2, 3। तीन चेन डालने के बाद हमें इस गैप में दो डबल क्रोशिया डालना है। देखिए हम यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया डालेंगे। और देखिए इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हमें डबल क्रोशिया डालना है। ऐसे ही हमें पूरा राउंड यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। आपको मैं राउंड यहाँ पे कंप्लीट कर दिखाती हूँ। देखिए हमारा ये मोटिफ यहाँ पर मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे मैं अलग कलर का ऊन ज्वाइन करूंगी। ये ऑफ वाइट है।
अब यहाँ पे हम एक दो तीन चेन डाला है, अब यहाँ पे मैं और दो चेन डालूँगी, एक और दो। फिर हमें फिर से एक स्टिच को छोड़ देना है जहाँ पे हमने तीन डबल क्रोशिया डाला था, उसके बीच में हमें डबल क्रोशिया डालना है। ऐसे ही फिर से हम दो चेन डालेंगे, एक स्टिच को छोड़ देंगे। फिर से दो चेन डालेंगे, एक स्टिच को छोड़ देंगे हम। फिर से दो चेन डालेंगे, सेम जो हमने थर्ड वाला राउंड बनाया उसी तरीके से ये हमें बनाते हुए जाना है। आप अपने हिसाब से आपको कितना बड़ा ये बनाना है आप बना सकते हो। देखिए आपको मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट कर कर दिखाती हूँ, और मैं यहाँ पे मेरे हिसाब से कितना बड़ा मुझे ये बनाना है वो आपको बनाकर दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ दस ग्यारह बारह अठारह राउंड्स बना लिए हैं, मैंने मेरे हिसाब से ही बनाए हैं। और देखिए मैंने यहाँ पर कलर बहुत सारे कलर का इस्तेमाल किया है, आप देख सकते हो। आपके पास जो ऊन बच जाती है आप उसमें से ये थालपोश बना सकते हो। मेरे पास बची हुई ऊन से मैंने ये थालपोश बनाया है, आप देख सकते हो हमारा ये थालपोश बनकर रेडी हो चुका है। सिंपल और सोबर और बहुत ही आसान तरीके से ये थालपोश बन जाता है। दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा है, पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। और दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे दबाना मत भूलिए, ताकि जो भी मैं नए वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन सब में पहले आपको मिले और मेरे चैनल पर क्रोचेट के नए नए आइडियाज आपको देखने को मिले। दोस्तों मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू।